हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज मैच है बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे, फिर रात को 8:30 बजे, तो काफ़ी जल्दी है, कोई लफड़ा नहीं है। और अगर आपको ये मैच लाइव देखना है तो यू गाइस नो व्हाट टू डू, लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का, जहाँ पे मेरे साथ आप बैठ करके इस मैच का लाइव लुस्ट उठा सकते हैं। मैच चालू होने से 15 या 20 मिनट पहले आपको, जो 15-20 मिनट नहीं, ज़्यादा बोल दिया, मैच चालू होने से 2-4 मिनट पहले आपको लिंक दे दिया जाएगा एक ट्विच का, जहाँ पे आप बैठ के मेरे साथ मैच का जो है वो लुफ्ट उठा सकते हो। बिल्कुल मज़ा आने वाला है, वहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, पिछला पूरा सीज़न लाइव देखा था, तो ये तो होगा। साथ ही साथ आज रात को 12:15 में PSG का मैच है, जहां पे लियोनेल मेसी जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं डेब्यू करने के लिए। स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट एट कन्फर्म, बट हाँ वो जो है वो बिल्कुल वो गेम में डेब्यू करेंगे। वो सेकंड हाफ में आते हैं कि नहीं आते हैं, देखने वाली बात होगी कि स्टार्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सो ऑल दी पीपल हु आर क्यूरियस कि उस मैच को मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा कि नहीं करूंगा, आई कांट टेल यू राइट नाउ। बार्सा वाले मैच खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, अगर आपको वो मैच लाइव देखनी है तो JioTV में TV5 मुंडो करके एक चैनल है, वो आता है। TV5 मुंडो चैनल टाटा स्काई में भी आता है, एयरटेल में भी आता है, मैं दे दूंगा लिंक कहीं तुमको, तुम देख लेना उसको, लिंक बोल रहा हूँ सॉरी चैनल नंबर देख लेना उसको, तो वहाँ पे भी तुमको ये PSG का मैच देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुमको वूट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो यस, देयर आर सेवरल ऑप्शन जहाँ पे तुम PSG का मैच भी लाइव देख सकते हो, बट हाँ बार्सा वाला तो मैं करूँगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, आ जाने देखने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना का मैच, बिकॉज दिस मैच इज गोना बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हमने हमारा पहला मैच जो था सोसेडेड के खिलाफ, वो तो बहुत आसानी से तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ 4-2 से जीत लिया था। सेकेंड मैच जो था हमारा बिलबाओ के खिलाफ, वो हम 1-1 ड्रॉ करे थे, जिसमें हमने देखा कि बार्सिलोना उतनी असरदार नहीं लग रही थी प्रेसिंग के खिलाफ। जब टीम प्रेस करती है तो बार्सिलोना इज़ नॉट लुकिंग दैट कंफर्टेबल, हम चांसेस ज़्यादा नहीं बना पा रहे थे। आर मिडफील्ड लुक वनरेबल टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड हैविंग दिस ब्यूटीफुल मिडफील्ड ऑफ पेद्री, डियोंग एंड बुस्केट्स, जो अपने यूरो के कैंपेन्स में अपने नेशंस में आग लगा के आए थे, वैसी जैसी मिडफील्ड वनरेबल से लगने लगे तो फिर ऐसा लग रहा है कि क्या ही यार। मैंने चेल्सी के 2 गेम देखे हैं अभी, कल जो एक चेल्सी का गेम आ रहा था वर्सेस लिवरपूल वो मैंने देखा। मैंने चेल्सी का गेम वर्सेस मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैन सिटी था या फिर मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, ये छोटी टीम थी मुझे याद नहीं आ रहा है, आर्सेनल था मेरे ख्याल से, हाँ। तो मैंने चेल्सी के 2 गेम देखे हैं, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार चेल्सी की टीम बहुत ज़्यादा प्रेस रेसिस्टेंट हो गई है, जैसे बार्सिलोना पहला हुआ करती थी। जब बार्सिलोना कोई प्रेस करने आता था तो दे न्यू कि मेरे को कहाँ कब पास करना है, वो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बार्सिलोना की सुलझी हुई लग रही थी, जो अब चेल्सी की नज़र आती है। कल चेल्सी 1 मैन डाउन होने के बावजूद, 10 मैन के बावजूद लिवरपूल के खिलाफ क्या तो डिफेंड करी है भाई साहब, प्रेसिंग के खिलाफ। और लिवरपूल की प्रेस तुम जानते हो, गागन प्रेस होती है, सब चढ़े बैठे रहते हैं, एंड स्टिल चेल्सी मैनेज टू ड्रॉ दैट मैच 1 मैन डाउन होने के बाद भी। That was something else, to be really honest. तो यहाँ पे कोच थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ सा नज़र आ रहा है टैक्टिकली। आई रियली होप सो आज के मैच में, क्योंकि गेटाफे फिजिकल वाली टीम है, हमको प्रेसिंग के खिलाफ काम करना पड़ेगा, एंड प्रेसिंग का बहुत अच्छा तोड़ होता है टिकी टाका फुटबॉल, एंड बार्सिलोना नोज हाउ टू प्ले टिकी टाका। आई होप सो कि रोनाल्डो कमेनोच उसके ऊपर काम करेगा। सो या हमने एक गोल ही जो है वो मारा था एथलेटिक बिलबाओ के खिलाफ, और वहाँ पे हम जो है एक ही पॉइंट लेके आ पाए, वो तो थैंक्स टू डीपाई का 72nd मिनट में गोल, कि हमने जो है वो एक पॉइंट लिया, वरना वो गेम हम हारने वाले थे। लेट्स टॉक अबाउट गेटाफे। गेटाफे ने अपने शुरुआत के दोनों मैचेस जो है वो हारे हैं, जिसके चलते उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस गेम को एटलीस्ट ड्रॉ करने का। पिछले सीजन गेटाफे फिनिश्ड 15th, रेलिगेशन वाला कोई लफड़ा था नहीं इनके साथ, कंफर्टेबल थे वो उस सीन में, एंड इवन दे डिफीटेड बार्सिलोना ऑन अवे गेम। एक बार्सिलोना का अवे गेम था, 1-0 हम हारे थे, मेरे को जाता क्या था, जिसके ऊपर वो था अंशु फाटे के ऊपर नहीं, बुली वगैरह कर रहा था, एक नियॉम करके टकला था, तुमको याद होगा, तो वो वाला मैच था, 1-0 हम हारे थे। एंड सेकंड मैच वी वॉन कंफर्टेबली 5-2 हम जीते थे, तो कोई सीन नहीं है। तो हाँ, गेटाफे फिजिकल बहुत ज्यादा है, बट यस वी नीड टू फाइंड दैट फिजिकलिटी प्लस वो टिकी टाका फुटबॉल, वो फ्लुइडिटी दिखनी चाहिए टीम में, तभी हम जीत पाएंगे। वो फ्लुइडिटी मुझे नहीं दिख रही है अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज, हाँ यार, तो फिजिकल तो है ये टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट द सीन इज कि कुछ प्लेयर्स इनके हमको मिस होते हुए दिखेंगे, जैसे एक अब्दुलाई करके प्लेयर है इनका, वो इंजर्ड है। हमारा जो प्लेयर इनके पास है मार कुकुरेला भी जो है वो नहीं इस गेम को देखने वाले हैं, नहीं खेलने वाले, नहीं दिखने वाले हैं तुमको, क्योंकि ऐसा चल रहा है कि ही विल बी पर्टिकुलरली टेकिंग अ ट्रांसफर फॉर गेटाफे फ्रॉम गेटाफे, तो वो जो है वो नहीं हमको खेलते हुए दिखेंगे। विटेलो जो इनका राइट मिड है, बहुत प्यारा मिडफील्डर है विटेलो, वो भी डाउटफुल है, बट ही विल स्टार्ट जहां तक है। बट हाँ, कार्ले सेलेनिया है भाई साहब इनके पास हमारे, जो स्टार्ट करेंगे, अभी अभी फ्रेश फ्रेश ट्रांसफर
ट्रांसफर हुआ है बार्सिलोना से, पहले लोन में थे लेकिन अब परमानेंट हो गए। तो कार्लेस अलेन्या विल स्टार्ट, ला मासिया के प्लेयर, उनके ऊपर नजर बनी रहनी चाहिए, लेकिन अब क्या करोगे, बना करके दुखी होगा जो होगा अगर अच्छा खेलेगा तो। उनके एक स्ट्राइकर है उनाल करके, बहुत प्यारे स्ट्राइकर है, प्लस एक उनका मिडफील्डर है मैक्सिनोविच करके, वो भी बहुत प्यारा प्लेयर है। तो कुछ प्लेयर्स हैं गेटाफे के पास जो अच्छे खासे हैं, एक सुआरेस करके राइट बैक भी है मेरे ख्याल से, वो भी बहुत अच्छा है। सो या लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना। सो यस, बार्सिलोना में कुछ इंजरीज से वापस लौटते हुए प्लेयर्स हैं जो एक अच्छी खबर है रोनाल्ड कोमैन एंड बार्सिलोना के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द इंजर्ड प्लेयर्स फर्स्ट। सबसे पहले तो अंसु फाटी इज नॉट येट इंक्लूडेड इन द स्क्वाड, ऑल्दो ही वाज प्रेजेंट इन ट्रेनिंग, बट अंसु फाटी इस मैच में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। डेम्बोस भी इंजर्ड है, अग्वेरो भी इंजर्ड है, एंड एरिक गार्सिया को जो है वो रेड कार्ड मिला है। पीके भी इस मैच में हमको शायद नहीं दिखेंगे क्योंकि उनको भी इंजरी वगैरह हुई है। सो यस, दीज आर दी प्लेयर्स हु विल बी मिसिंग दिस मैच। बट भाई साहब, बाकी हाँ एक और प्लेयर है पेद्री, वो भी वैकेशन में गया हुआ है, तो पेद्री विल बी नॉट स्टार्टिंग इन दिस मैच। लेकिन भाई साहब, आपके सामने मैं स्क्वाड लिस्ट देख रख रहा हूँ, आप देखो टर्स्टेगन इज बैक इन दिस स्क्वाड, सो वी कैन एक्सपेक्ट टर्स्टेगन स्टार्टिंग इन दिस मैच। वी नीड टर्स्टेगन टू बी रियली ऑनेस्ट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है यार, नेटो तो हक देता है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसने कई सारे चांसेस दिए थे बिलबाओ को। कटिनियो इज ऑल्सो सरप्राइजिंगली बैक, एंड कटिनियो is included in this squad, and thankfully Coutinho didn't got the number 10 wala number. aisa chal raha tha ki Coutinho will possibly get the number 10 ka number, mere khayal se is season ke liye to retire kar do bhai sahab, agle season dekh lena bhale. lekin ha, ise John Laporta ka ek cheez to samajh mein aa raha hai ki John Laporta jo apni baat kaha tha ki yaar, matlab ye usne samne media mein nahi kaha tha, but reports aisi aayi thi ki Barcelona ye plan kar rahi hai ki wo keval La Masia players ko hi number 10 denge aur kisi ko nahi denge. so scene ye hai, to Coutinho thankfully मजबूरी हो जाती इस सीजन, अगर रे मनाज नहीं जा रहे होते तो कटिनियो को देना पड़ता। ऐसा सीन था कि पियाने जा रे मनाज कोई एक जाएगा तभी कटिनियो को नंबर 10 के अलावा कोई एक जर्सी नंबर मिलेगी, वरना कोई खाली नहीं था। तो थैंकफुली रे मनाज का कोई ट्रांसफर हमको नजर आ रहा है, मायोरका में लोन होने वाले हैं रे मनाज, 10 नंबर खराब मतलब बच गई। और हाँ, सो यस, कुल मिला के कटिनियो इज बैक, तुम इतना जान जाओ। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप। आई पर्टिकुलरली थिंक कि इस लाइनअप के साथ बार्सिलोना उतर सकती है। मार्टिन ब्रेटवर्थ इज स्टार्टिंग विद मेम्फिस डिपाई एंड ग्रीज़मान। ग्रीज़मान पिछले गेम में हमको बिल्कुल नहीं दिखा था, वी रियली होप सो कि हमको ग्रीजी वापस से देखने को मिल जाए यार, कुछ ऐसा गेम दिखाओ फ्रांस वाला, क्योंकि अब तुमको वो रोल भी दे दिया गया जो तुम मांगते थे। तो यार, वी रियली नीड टू सी ग्रीज़मान स्टेपिंग अप। मिडफील्ड के बारे में बात कर लूँ, सिंस पेद्री इज नॉट अवेलेबल इन दिस मैच, आई पर्टिकुलरली थिंक दैट रोबर्टो विल रिप्लेस पेद्री विद फ्रेंकी एंड सर्जियो बुस्केट्स। और रोबर्टो को हो सकता है कटिनियो जो है वो रिप्लेस करे एज अ सब्स्टिट्यूशन, बट मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, नया आया है, फिर से इंजर्ड ना हो जाए, थोड़ा सा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें तो बेहतरीन होगा। बट हाँ, रोबर्टो के बदले हो सकता है हमको नीको या फिर गावी या फिर रिकी पूज भी स्टार्ट करते नजर आ सकता है। तो रोबर्टो वाला सीन थोड़ा सा गड़बड़ है, बट रोबर्टो ही जहां तक है मेरे को लग रहा है स्टार्ट करेगा। लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस। मेरे ख्याल से जॉर्डी एल्बा स्टार्ट करेंगे लेफ्ट बैक में। अगर मैं सेंटर डिफेंडर्स की बात कर लूँ, आई पर्टिकुलरली थिंक दैट अराओ विल बी स्टार्टिंग इन दिस मैच विद सेलेमेट लॉन्गले। अब सेलेमेट लॉन्गले का सीन ये है यार कि मेरे ख्याल से तो लॉन्गले को स्टार्ट करेगा, बट आई पर्टिकुलरली वॉन्ट दी मिंगेजा को स्टार्ट मिले, बट मिंगेजा वही इंजरी से वापस आए तो मेरे ख्याल से नहीं उसको रिस्क करेंगे। सो या लॉन्गले या मिंगेजा होगा, बट मिंगेजा का उतना चांस नहीं लग रहा, तो लॉन्गले या राहुल स्टार्ट करेंगे विद सर्जिनियो डेस्ट या फिर एमर्सन। आई पर्टिकुलरली वॉन्ट टू सी कि एमर्सन स्टार्ट करे इस गेम में, फिजिकल वाला गेम होगा। सर्जिनियो डेस्ट को आज दे दो यार, प्लीज़ एमर्सन को स्टार्ट कराओ, देखना मुझे एमर्सन कैसा खेलता है। गोलकीपर के बारे में बात कर ले तो हमको हो सकता है कि टर्स्टेगन स्टार्ट करते हुए दिख जाए, और अगर टर्स्टेगन नहीं स्टार्ट करते हुए दिखेंगे तो ऑफकोर्स नेटो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। सो यस, ये है भाई साहब स्क्वाड बार्सिलोना की, और आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मैच बिकॉज वी नीड टू विन दिस मैच। दिस गेम विल बी अ टफ गेम फॉर बार्सिलोना, फिजिकल होने वाला है, और फिजिकलिटी के खिलाफ और प्रेसिंग के खिलाफ बार्सिलोना थोड़ी जूझती हुई नजर आती है। एंड आई रियली वॉन्ट टू सी कि रोनाल्ड कोमैन के डेवलपमेंट का ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बिकॉज दैट विल डिटरमाइन आर होल सीजन, हाउ वी गोना परफॉर्म इन दिस सीजन। अगर पिछले गेम से कुछ नहीं सीखा हो रोनाल्ड कोमैन तो नज़र आ जाएगी गेम में, और ऑफ कोर्स उस चीज़ को मैं बताने के लिए रिव्यू में तो बताऊंगा ही तुमको। एनीवे, स्टिल इन नेक्स्ट वीडियो आई टेक केयर, प्लीज। यूट्यूब में भी हम लाइव करेंगे इस मैच से पहले 8:30 मैच है, 8:30 मैच है, 8:30 मैच है, तो वी विल बी लाइव अराउंड 7:45 45 मिनट तक का मैं लाइव करूंगा यूट्यूब में बिफोर दी मैच। सो आप ज्वाइन कर लेना उस लाइव में, हम लोग थोड़े से प्रीव्यूज़ के बारे में बात करेंगे और गेम के लाइनअप अगर आ जाएगा तो उसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। एनीवेज, टिल द नेक्स्ट वीडियो आई एम आशीष के सैनी, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज। ध्यान रखें अपना अपना, चाओ। विस्का एल बार्सा जाए, अब बार्सिलोना का है ना भाई, तो अब आज देख रहे हो खुशी एनर्जी देख रहे हो, क्योंकि बार्सिलोना है ना भाई, तो अलग अलग है जोश।